तो काजी बड़ी फिर से आपका स्वागत है तो चैनल चौपाती पर। मेरा नाम है बामियार, वेलकम टू अपनी सीरीज। और आज मैं लॉगी को शुरुआत में ही ट्रोल करने वाला हूँ। रहने दो भाई, मजाक मत करो, मुझे पता है आप ऐसे ही ट्रोल कर रहे हो। चलो उठो भाई। नहीं यार, 1500 साल से मेरा सर दुख रहा है यार, प्लीज मेरे को तंग मत करो। टीचर को बोलती हो कि मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा। ये मुझे पता है आज एग्जाम है तभी आप नहीं आ रहे हो। चलो उठो जल्दी से, अपने पास टाइम नहीं है। गोल्डन एप्पल आपको, भाई मुझे पता है आपकी इन्वेंटोरी के अंदर मोटा गोल्डन एप्पल पड़ा हुआ है। वैसे बात तो नूबले ने सही कर दिया, मेरे को बिल्कुल भी एग्जाम देने का मूड नहीं है आज। अरे लोगे मेरे को नहीं आना भाई, मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है यार। पेंसिल मारूं? उतरी ना, पेंसिल नहीं मारने, पैसे मारने की धमकी नहीं मत दे। मेरे पास गोल्डन तलवार है, नहीं नॉट गोल्डन, डायमंड की तलवार है। तलवार कहाँ से लगाऊंगा? खिलौने की तलवार है भाई, फोम वाली है। अरे असली वाली है, सैंपल दिखाऊंगा तेरे को मैं यहाँ पर। पेंसिल का सैंपल दिखाऊं भाई? मेरा नेदरराइट का हेलमेट देख रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। टाइम पास मत कर दो गाइस। मैंने यहां पर अपना बैकपैक लेकर रखा हुआ है, लेकिन बैकपैक से पहले सबसे पहले मेरे को यहां पर जाना है किचन के अंदर। और ये रही हमारी केयरटेकर, जो कि बिल्कुल भी कभी काम नहीं करती, बिल्कुल भी। और घर के सारे काम जो है हमको ही करने पड़ते हैं। ये एक ही जगह पर खड़ी है, पिछले 500 साल से इसी जगह पर खड़ी हुई है। बस्ता हमारे हाथ में मैंने पकड़ के रखा हुआ है। और ये रही गाइस, हाथ में बक्से ये बैग के नाम पर आपने शल्कर बॉक्स कैसे पकड़ लिया? अबे बैकपैक है ये, देख इसके ऊपर किधर है ये रहा भाई पड़ा हुआ है। ये ग्रेनेड है क्या? अरे बैग है मेरा, बोरी वाला। हाय साहब, तूने अपग्रेड कैसे कर लिया भाई? मेरे को तो इन लोगों ने पागल ने शर्कल बॉक्स देकर रखा हुआ बैग के नाम पर। भाई मैं स्कूल से उठा के लेकर आया हूँ, लॉस्ट प्रॉपर्टी से। अभी कुछ ही सेकंड के अंदर अपनी बस आ जाएगी एंड चलते हैं आज स्कूल के अंदर। और गाइस आज स्कूल के अंदर जो है गाइस बहुत मस्त वाला दिन होने वाला है। आज हम देने वाले हैं एक एग्जाम, और वो एग्जाम जो सही देगा, सही वाले बच्चे जाएंगे एकदम थीम पार्क के अंदर, और उसके बाद उनको जाना है बड़े वाले स्कूल। बस आ गई यार, तो मैं ये बोलने वाला था कि उसके बाद एग्जाम के बाद जाना है उन बच्चों को बड़े वाले स्कूल के अंदर। और ये थी अपनी खड़ूस टीचर जी, पक्का इन लोगों ने ग्रैनी 3 से इसको उठा के इस गेम के अंदर डालकर रखा हुआ है। वो तो सबसे पीछे कैसे बैठ गया? अरे भाई मैं पीछे इसलिए बैठता हूँ क्योंकि पीछे अगर मैं यहाँ पर स्नैक्स खाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। भाई साहब ये तो लिटरली वही काम कर रहा है जो कि पहले जमाने में मैं स्कूल के अंदर करता था। या मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। चुप, आऊं क्या? ए टीचर बस रोक ले एक सेकंड। भाई साहब ये बहुत ज्यादा हो गया, अभी इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तू बस रोक इधर। रहने दो भाई, नहीं तो मैंने पीछे से अंडे वाली टॉफी फेंक के मारनी है। इसकी दिमाग खराब करके रखा हुआ। तो मैं ये बोल रहा था कि हम भी पहले जमाने में अब जब हम स्कूल जाते थे तो हम भी आधी छुट्टी होने से पहले पूरा टिफिन अपना खाली कर देते थे। ये कैसे भाई ऑफ रोडिंग कर रही है अब टीचर? पागल है, ये मरवाएगी। अबे टीचर जी अगर आपको बस लानी नहीं, अबे कहाँ घुसेड़ रही है? अबे ये सड़क को छोड़ के लिटरली, ऐसे मजाक नहीं कर रहा, सड़क को छोड़ के हर एक जगह पर बस चल रही है। कभी ऑफ रोडिंग, कभी ऑन रोडिंग, कभी ऑन। ये देखो मार रहा मैं तेरे को यहाँ पर। ये रहने दो भाई, अगर बीमार हो गए तो हमें एक्सक्यूज मिल जाएगा एग्जाम ना करने का। हाँ 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 सही बात है। अरे टीचर मेरा सर दुखा दिया आपने यार, बस से भैंस की वो चलती बस से उतर रहा है, ये बस नहीं रोक रही, क्या हो क्या रहा है? ले मैं भी उतर जाता हूँ यार, टीचर ही पागल है। जब हम स्कूल के अंदर टाइम से नहीं पहुंचेंगे ना, फिर उल्टा हमको और बोलेंगे कि भाई बच्चे लेट हो चुके हैं और अब से आधी छुट्टी बंद। तो ये ड्रामे मेरे को यहाँ पर नहीं, देखो घुमा के भी लेके आ चुकी है। हट जाता हूँ मैं रोड से यार, इसका भरोसा नहीं है, ये गाड़ी ठोक के रोकती है। अरे टीचर जी बस लानी आती है कि नहीं आती आपको? बदतमीज टीचर ना हो तो। ओके सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अपना स्कूल का कोटा पूरा करना। तो गाइस जब भी हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमको इन लोगों ने ना फ्री का सामान देकर रखा होता है। अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा? तो यार फ्री का सामान हमको, मेरे को क्लेम करना है। और मेरे दूध की बोतल किधर आए? ये रहे, क्या बात है, तो ये चख लेते हैं एंड साथ में अपने आज का फ्री वाला एप्पल। एंड आते ही गाइस मेरे को अपना बस्ता जो है अपने खतरनाक, अच्छा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये लॉकर किसने ले लिया क्या? गलत बात है भाई, मैंने यहाँ पर अपने लॉकर लगा कर रखे थे, लेकिन इन लोगों ने मेरे लॉकर ही ले लिए। तो अगर मैं शल्कर बॉक्स के अंदर देखूं तो ये गाइस मेरा पैट, साथ में मेरा एक और टॉय, साथ में मेरी गाजर एंड साथ में मेरा ब्रेड, इसका नाम क्या रखा है, PB&J, पता नहीं क्या नाम है इसका, बटर एंड जेली होता है। ओ ये क्या बात है, तेरे को कुछ ज्यादा ही पता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस। हेलो टीचर जी, आज गुड मॉर्निंग, आज कैसे हो? ये क्या लिखा है? ओके गाइस कम हियर, इट्स टाइम फॉर योर टेस्ट। ओ लोगे तेरे को पता है? भाई मुझे तो पता है कि आज एग्जाम है। अरे भाई मैं तो फुल पढ़ाई करके आया हूँ, ये देखो मेरी पेंसिल एकदम से रेडी है आज। ये पिछले 5 वीडियो से पेंसिल लेके जेब में ही घूम रहा है, पढ़ना इसको कुछ भी नहीं होता। लास्ट वाली वीडियो के अंदर स्कूल में नहीं आया था, बहाने मार रहा था ये बंदा। अरे भाई मैं लास्ट वाली वीडियो में बहुत ज्यादा बीमार था, और टीचर क्या बोल रही है? ओके व्हाट्स द नंबर रिटन ऑन द बुक? ये टीचर थोड़ा बहुत स्क्रू ढीला है, ठीक है ना? सेट लिखा हुआ है, मेरी तरफ डी लिखा हुआ है। अब ये डाइस है कौन सी तरफ देखने पाले, ये तो बताना मेरे को। टीचर जी किस नंबर के बारे में बात कर रहे हो? भाई सारे पढ़ दो, ये हमको खोता समझेगी फिर। ओके तो ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ वी,
फिर वन, फिर ये कौन सा नंबर है? ये जेड है भाई, ये एन है नुबड़े। अरे जेड लग रहा है। ओके तो ये मे बी एन, आई थिंक ये एन है। अगर मैं इसको टेढ़ा होकर देखूं ना तो आई थिंक ये एन है। पीछे लिखा हुआ है डी एंड इस तरफ है नंबर वन। टेल वन नंबर रिटन ऑन दिस बुक। अच्छा पांच में से एक बोल दो। हमें थोड़ा बहुत बेवकूफों के वाले स्टाइल से खेलना है। अरे रहने दो भाई, आपको एग्जाम फेल करना है क्या? हाँ सॉरी वन, या ले ले वन, यहाँ पर वन लिखा हुआ है। डोंकी व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? आपने रोंग कैसे बोल दिया भाई? उससे बोल टेल टेल वन नंबर रिट भाई, वन नंबर ब्रो, नॉट ब्रो, आंटी ये है नंबर वन भाई। आई थिंक ये टीचर खुद से नहीं पढ़ सकती कि पागल है क्या, क्या लिखा हुआ है। खड़ूस टीचर नंबर वन लिखा वहाँ पर। अभी ये क्या है? अभी तेरी बारी है, चल लॉगी की बारी। जरा एक मिनट भाई, जरा मैं और से देखता हूँ इसको। चल ओके, ऊपर लिखा हुआ है 11। ये 11 क्या है? इंग्लिश में बोल नुबड़े। अरे 11 लिखा हुआ है। What alphabets on this book? लेकिन लॉगी ये टीचर जब उल्टी खोपड़ी की है, तो अभी नंबर बोल। अच्छा उल्टा भाई, यहाँ पर लिखा है 11। क्या बात है, सही है क्या? अगर ये सही हुआ ना तो मैं स्कूल छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे सही होगा भाई, मुझे पता है सही है। कहाँ पर है सही? देखो भाई ऊपर लिखा तो हुआ है 11, एक और एक लिखा हुआ है। ओके 11 इज अ नंबर ले। अच्छा। तू भी गलत। नहीं है भाई, नॉट एन अल्फाबेट। सही बात है यार, टीचर ही करूँ सर। भाई अब की बारी बोलने से पहले पूछ लो कि नंबर बोलना है या अल्फाबेट बोलना है। हाँ सही बात है, ये बताती भी नहीं है। ओके ये बन क्या गया? ये तो गू लिखा हुआ है। जी जी टेल बोथ अल्फाबेट्स एंड नंबर ऑन दिस ब्लॉक। Let's go. तो 4 and O, ठीक है? वो G लिखा हुआ है। अबे ये वाला, ये देख O। अरे मैं ऊपर वाला बोल रहा हूँ। तू ऊपर वाला तू बोल दे। ओके तो मैं बोल रहा हूँ 4 and O, ठीक है? चल ये मेरा एक अल्फाबेट भी हो गया और यहाँ पर एक नंबर भी हो गया यार। लगी मेरे को चपेट मारी। तीर मारो भाई, तलवार तलवार इसको दिखाओ भाई। खोलूँ क्या है? खोलूँ क्या तेरे को मैं? It's F and G. F and G भाई साहब, मतलब कि जो इसको दिख रहा है हमें वही नंबर बोलना है। अब की बारी मैं समझ गया। नूबड़ापंती हद होती है इसकी यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई थिंक अभी हमको एक बार यू बोथ फेल्ड अ टास्क। ये हमने तो सही बोला था लेकिन। अरे एकदम सही तो बोला यार, ये अजीब पागल टीचर है यार ये वाली तो। भाई एक काम कर भाई, हम ऐसे नहीं मानेंगे, तूने हमारा जो है ज्ञान का गलत उपयोग किया। यू गॉट क्लीन द रूम इफ यू वांट टू गो ऑन द ट्रिप। ले सफाइयां करवाने का ये कौन सा तरीका, पहले मेरे को ये बताओ गाइस। यार चपाती भाई चलो शुरू करो फिर। ये देखो आपका बैग बीच में ही पड़ा हुआ है। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर चीज अपनी रख रहा हूँ, लेकिन एक काम करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में रख लेता हूँ, मेरे को बाद में एक्चुअली काम आ सकते हैं। एक काम करते हैं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर ना गाइस मैंने यहाँ पे कैसल बना के रखा हुआ था और आई थिंक मेरे को ये कैसल यहाँ पे तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली हां हमारा टास्क था भाई। लास्ट वाली वीडियो के अंदर ना स्कूल के अंदर हमने बहुत मस्ती आगी। तो यार मैं ये बोलने वाला था कि एक काम करते हैं कैसल तोड़ देते हैं, क्या पता नए वाले बच्चे आने वाले हो तो मे बी टीचर जी उनको कैसल बनाने का टास्क दे सकती है, तो उनके लिए मेरे को ये जगह जो है आई थिंक खाली करनी पड़ेगी। और तेरे को पता है लास्ट वाली वीडियो में क्या हुआ था? क्या क्या ब्रो, तू बिलीव नहीं करेगा, लास्ट वाली वीडियो में बंदर आया था। ए व्हाट, बंदर यहां पर कैसे आ गया? वो आया और बाइक लेके भाग गया। अच्छा मतलब कि वो पीछे के जो पीछे वो देखो यहां पर इसके ब्लॉक भी पड़े हुए हैं। ये ब्लॉक तोड़िए, ये वाले ये ब्लॉक्स इसके पड़े हुए हैं। तो वो आया यहाँ से बाइक लेके लिटरली भाग गया, दीवार के ऊपर से कूद के भाग गया यार वो तो। भाई साहब यार मुझे तो याद है बंदर भी यहाँ पर छोटा हो गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बंदर को मारता है गोली। ये कुछ ही ब्लॉक्स बचे हुए हैं तो फटाफट से मैं ये भी तोड़ लेता हूँ। ओके गाइस इट्स टाइम फॉर योर ट्रिप, कम ऑन द बस। अरे भाई लेट्स गो, लॉगी आजा। अपनी बस भी चेंज हो चुकी है। व्हाट बस कैसे चेंज हो गई? भाई साहब, अरे भाई साहब, एक बार इन लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में ना, लास्ट वाली वीडियो में अभी हम आए थे व्हाइट वाले बस के अंदर और अभी हमारी बस लाल हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गेम के अंदर सही हो रहा है। बस कहाँ चली गई? खड़ूस टीचर है यार ये वाली तो। अभी अपने लिए नई बस आ चुकी है, तो मैं ये बोल रहा था कि अपनी लाल वाली बस एकदम से ड्रिफ्ट। गोचू पागल है क्या तू? भाई साहब यार क्या कर रही है, काम करते है, पैदल चले जाते हैं भाई। मैं चलता, हाँ सही बात है यार, ये भी हर जगह पे ठोक के जाएगी ब्रो। मैं चलते चलते वीली नहीं मार सकता, ये बस के साथ वीली मार रही है भाई। अजीब स्वाग है इसका भी। फिर से पकड़ कर भाई साहब यार। तो फाइनली गाइस बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन। कहां पर लेके आ चुका है यार ये बंदा? अरे अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। एक्चुअली टॉय शॉप के अंदर हम आ चुके हैं। लेट्स गो, लेट्स गो, आ जाओ। कौन से टॉय से अंदर? अरे भाई 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 भाई, मैं तो इतना छोटा हूं कि मैं, मेरे पास आ, ये ले इधर आ। कहां पर है तू? ये पीछे खड़ा हूं। ये ले मतलब ये है कि मैं बाय नहीं करना पड़ेगा। वे व्हाट, लेट्स गो भाई। मैं तो फिर यहाँ से रूबिक्स क्यूब पहले उठाऊंगा। कहाँ पर है रूबिक्स क्यूब? ओह माय गॉड, तो एक काम कर लॉगी, तू रूबिक्स क्यूब ले ले,
मैं लूंगा यहाँ पर एक ये वाला पैंडा, मेरे को ये वाला चाहिए। उठाओ 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 एंड फटाक से सीधा अपने इन्वेंटरी के अंदर। भाई कितना मस्त लग रहा है यार। और आई थिंक खर्चा पानी टीचर ही देगी अपना। अब अपना टॉय ले, जल्दी कर। अरे मैं ले रहा हूँ भाई, फ्री वाला है। अरे भाई मैं पीछे देख रहा हूँ, काउंटर के पीछे यूजुअली खतरनाक माल होता है। हाँ सही बात है, लेकिन कुछ भी नहीं पड़ा इस बार तो। लोग सीट बेल्ट बांध कर रख ले। इसने पूरी बस, भाई ये देखो पूरी बस इसने यहाँ पर स्क्रैच कर दिया, पूरी बस डैमेज कर दी। भाई आगे 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 लेट्स गो, पूरी बस अंदर लेके चलेगी। वही से उतर जाते इससे पहले कि ठोकरे अंदर। होली क्रैप कितना स्केरी है। और वो देख हेल ऑन अर्थ भाई साहब, ये वाली राइड कितनी जबरदस्त लग रही है मेरे को, वो वाली राइड देख। अरे भाई मुझे तो ये फायर वाली राइड के अंदर जाना है, रोलर कोस्टर के ऊपर। अरे वो एंड के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर क्या लगा हुआ, यहाँ पर एक और गेम है जिससे आई थिंक आई बिलीव हम तीर कमान से खेल सकते हैं। अरे भाई बहुत मस्त वाला थीम पार्क है। और ये बच्चे वाली गेम जो है 9 साल के बच्चे खेलते हैं, तो मेरे को यार फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाना। लेट्स गो, इसके ऊपर चलते हैं ना ये वाली। अरे ये तो 8 साल के बच्चों के लिए यार। हाँ तू जा, मैं तेरे को देख रहा हूँ। कम ऑन तो भाई, चलो आप भी। मुझे मैं नहीं जाऊंगा भाई इसके ऊपर, पागल है क्या तू भाई? एक्चुअली चल तो रही नहीं है राइड। ओके लेट्स गो। तेरे उसके अंदर कॉइन डालना पड़ता है। हमारे पास है ना, ये नहीं चलने वाले अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। तो ये टीचर क्या बोल रही है? ओके किड्स, कॉइन निकाल, कॉइन कॉइन देना। कौन से कॉइन्स है इसके पास? पड़ी हुई है, एक फ्लावर है। अच्छा फेयर कॉइन है भाई, फ्लावर सुन के कॉइन समझा क्या? Okay, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड लेट्स गो। अरे ये देखो गाइस, अपने 8 साल के बच्चे थे, तू कहाँ चढ़ गई? देखो मैं भी आता हूँ। अब मशीन चला दी इन लोगों ने, तो मैं भी कपड़े धो ही लेता हूँ। अब फालतू में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है ना गाइस, अब देख रहे हो ना, फालतू की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। मैं भी चढ़ जाता अपना गया। वैसे एक घोड़ा फिलहाल वेला पड़ा हुआ है, तो आई थिंक इन लोगों ने बंदर का भी इंतजाम करके रखा था, लेकिन इनको पता नहीं कि बंदर हमसे 2 कदम आ गया। ले मेरे को ये नुबड़ा वाली नाइट नहीं खानी भाई, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अरे जबरदस्त राइड है यार ये तो। तू खा रहा है क्या? अरे मैं तो ये रहा भाई। हेलो, देख इवन टीचर भी यहाँ पर उतर चुके, नीचे उतर। ओके तो गाइस यहाँ पर ये चोमो वाली राइड मेरे को नहीं खानी, तो काम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक और वाली राइड देखी थी, वो थी तीर कमान वाली राइड, जो की बिल्कुल इस शॉप के पीछे है। तो काम करता है, मेरे पास ऑलरेडी तीर कमान है, लाइक बो भी है एंड एरो भी है, तो फटाफट से मेरे को जैकेट टेस्ट आउट करना है कि अगर मैं वो टारगेट ब्लॉक के ऊपर निशाना मारूंगा तो क्या आएगा। और मैं वो ये क्या है, क्या है भाई? अच्छा बम्पर कार है। ओके रॉगी मैं यहाँ से चलाऊंगा, देख कहाँ पर हो? मैं यहाँ कूड़ेदान के ऊपर खड़ो के गलाटे चलाऊंगा। देखियो मैं तो यहाँ स्टेयर के ऊपर से चलाऊंगा। फटाक मिस कर दिया, एक मिनट मैं चलाता हूँ। तूने मिस कर दिया। लेट्स गो। अरे मैंने बुल्सा ही नहीं लिया यार, तेरे को बिल्कुल बीच में मारना ताकि पांचों की पांचों लाइटें ऑन हो। कम ऑन, यहाँ तो लगता है इन्होंने कनेक्शन ही नहीं लगाया। पास जाके पांच, थोड़ा पास जाके मारते हैं, अभी होगा भैंस की आंख। ये ले पांचों की पांचों लाइटें ऑन। देखा मैंने कैसे लाइट ऑन कर दी सबकी। ए, रहने दो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चल तू ट्राई कर, तू ट्राई कर, एक बार मारियो। रेडी हो ना? हाँ चल। अरे चपाती भाई एक जगह खड़े हो जाओ। चल चल, ये देखिए सामने वाली को मारना सामने। अरे यार मैंने मिस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। मारूंगा तेरे को मैं, तूने मेरी लाइटें ऑन कर दी, तूने वहाँ की लाइटें ऑन करनी थी। ओके चलो, इसके बाद कौन सी राइड हम खाएं? इसके बाद हेल ऑन अर्थ खा सकते हैं, जो की खतरनाक वाली है। लेकिन वो वाली खाने से पहले एक बम्पर कार का राउंड हो जाए यार। आजो आजो आजो, ये देखो सामने भाई, यहाँ पर तो बड़ी अलग तरीके की बम्पर कार पड़ी हुई है। ये टीचर को गाड़ियाँ उड़ाने का बहुत शौक है ना, इसको दिखाता हूँ कि हैवी ड्राइवर कौन होते हैं। रेडी वन टू, पेट्रोल तो है ना ये? अच्छा गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है। ये सामने आप ये सस्ती वाली ले लो, इलेक्ट्रॉनिक वाली। नहीं यार वो मैं नहीं लूंगा भाई, वाली ले लो यार। उसके अंदर ये मैनुअल लेबर ले, बैठा भी नहीं हूँ मैं। ये ले, चल भी नहीं रही। व्हाट इज दिस भाई साहब, क्या करना पड़ता है इसको चलाने के लिए? सर जी से एक काम करो, पहले आई थिंक आपको कॉइन लेना पड़ता है। ड्रॉप ए फेक कॉइन ऑन द बम्पर कार टू अनलॉक इट। यार मेरे पास कॉइन भी नहीं है मैन। अरे 8 एमराल्ड तो है ना, वो साथ में बोल रहा है 8 एमराल्ड नहीं तो डाल दे। टीचर आंटी देगी। हेलो टीचर आंटी, मेरे को कॉइन दीजिए प्लीज। ये तुम लोग कैसे फैंसी वाली गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हो? दे 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 भाई, हेलो सबर कर ले, सबर कर ले तू। ओके तो मेरे को ये कॉइन इसने बोल के रखा था कि मेरे को ये वाला कॉइन जो है इसके पे ड्रॉप करना है, तो तभी जाके ये पैसे मार गए क्या मेरे? टैंड तेरी कुछ ज्यादा फास्ट है। अरे इधर आ, मैं आपको दिखाता हूँ बंपर कार कैसे चलाते हैं। मैं तेरे को दसदा हैगा। टीचर को बैठ लो, लगे टीचर को बैठ। भैंस की बहुत ज्यादा उड़ रही थी ना, आज इसको उड़ाते हैं। इसने मेरा सर दुखा कर रखा हुआ है, इसका पूरा पंचर ही लगा दे। भैंस की बहुत उड़ रही थी ये, इसने काफी बसे, इसने पूरी बसे ठोक ठोक के ना मेरा सर पूरा दुखा दिया। इसको ठोकते हैं भाई, आ जाओ। ठोकने का बहुत शौक है। ये ले, उधर से लगा ले, मेरी बैटरी खत्म हो गई ले। मेरे को बाहर निकाल दिया। एक तो इन लोगों ने मेरे को बेकार वाली बम्पर कार देके रखी है, दूसरा इसके अंदर बैटरी ही नहीं है। और ये देखो कितनी मस्त वाली राइड कर रहे हैं। हैंग कर सेकंड टीचर ने बाहर चला गया।
ये तो यार तू गवार है कि कोई कोर्स किया तूने? काम करते यही बम्पर कार यूज कर ले। अबे किधर जा रहा है? ये गलत बात है। अब इधर इसको ओके गाइस अभी आती है अपनी फाइनल वाली राइड। लेट्स गो भाई, ये वाली राइड कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही है ब्रो, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ गाइस के राइड खाने से पहले आप भी नीचे जाके एक सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर लो। और राइड का नाम देख रहे हो, राइड ऑफ Hellfire। भाई पता नहीं हमें चेतावनी दे रहे हैं या ऐसे ही राइड का नाम है, आई डोंट नो। चलो भाई कॉइन डाल दो अंदर। मेरे पास कॉइन नहीं है। अभी टीचर आंटी जाएगी ना, वो पता नहीं कहाँ रह जाती है, कौन सी डीले मार रहे हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा इनका। और जहाँ पर लिखा भी है वार्निंग जंप स्केयर, अरे भाई जंप स्केयर वाली राइड एकदम बेस्ट होती है। लेट्स गो, तो अगर मैं अंदर जाके बैठू तो जाना किस तरफ है, आई मीन रफ्ट की राइड? अरे आप जा रहे हो? ओके, मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब यहाँ पे स्कैलीज भी है। ओ, एक तो मेरी हाइट इन लोगों ने इतनी छोटी करके रखी। ओह आपने देखा भाई, ये आ गया बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आया वो, तो मैं ये बोल रहा था कि एक देखो इन लोगों ने मेरी हाइट इतनी छोटी। ओ तेरी वेब, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मेरी यहाँ पर राइड एकदम से रुक चुकी है। ओ ये क्या था? यो भाई साहब बिल्कुल मेरे पास में से ज़ॉम्बीज वगैरह, अरे लावा के अंदर नहीं। यो भाई साहब एकदम से यार हीरो प्राण वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि नेदर के अंदर आ चुके हैं। ओह माय गॉड यार, इन लोगों ने पूरा स्पाइडर वगैरह को किडनैप करके रखा हुआ यार, ये एक्चुअली कुछ ओ तेरी बट लिटरली लोगी बंदे मरे हुए हैं यहाँ पर। अरे मैं पीछे से आ रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ। अबे मत आ पीछे, धक्का मत दे मेरे को। अरे चलो भाई आगे बढ़ो। जा रहा हूँ। ओ तेरी एक्चुअली फट गया वो, आई थिंक ये पार्ट ऑफ द राइड होगा यार। वैसे ओ तेरी अभी तो स्पीड पकड़ ली राइड ने मैन, एंड आई थिंक किसी के साथ इतनी राइड खत्म होती है भाई साहब। ये एक्चुअली अब ये मत बोलना कि ये पीछे कोई है मेरे। कौन है भाई? अरे पीछे कोई है मेरे। अरे टीचर होगी वो। मैं एक्चुअली डर गया था यार भाई, खतरनाक राइड थी यार, मजा आ गया, लेकिन मेरे ऊपर ये इफेक्ट अभी तक गया नहीं है मेरे से। ये कुछ दिख ही नहीं रहा है। हेलो चपाती भाई किधर हो? मैं तेरे पीछे हूँ यार। भाई ये रहे, क्या क्या घुसने मार रहा मेरे को बार बार, दिखाऊंगा तलवार तेरे को मैं। अरे भाई दिन हो गया। ओके लेट्स गो, अभी यहाँ से क्या करना। तो आई थिंक ये अपनी लास्ट राइड थी, लेकिन टीचर जी ने बोल रखा था कि वीडियो की शुरुआत में यहाँ पर एक बोनस राइड भी होगी। ऐसा बोला था क्या राइड दिखाना? कम विद मी। ये डरा रही है कि बता रही है कि समझा रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इसके पीछे चले जाते हैं। ये तो और ये पार्क के बाहर आ गए। ये देखो गो कार्ट्स पड़ी हुई हैं। यो सामने पानी है, ट्रैक ही नहीं हुए। अब ये मत बोलना कि ये GTA 5 की तरह कन्वर्ट हो जाती है, वो पेट्रोल ही नहीं है अंदर। ले मेरे पास है। टेक दीज राइड्स एंड ड्राइव इनटू द जंगल। किस तरफ जाना है हमें? जंगल लग जंगल। सामने कोई बिल्डिंग भी दिख रही है। क्या घना जंगल है यार वो तो। बस कर ला सारा पेट्रोल मेरे अंदर ही डालेगी क्या? Come on then. I don't know, हमें किधर जाना है, काम करते इसी तरफ चलते हैं। इस तरफ क्या? वैसे लॉगी हम जंगल के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइड के नाम पर हमसे सिर्फ घास कटवा रहे हैं यहाँ पे। I don't know, वैसे जंगल कुछ ज्यादा ही घना है लॉगी, तो आगे मत जाइए प्लीज। वो ये क्या हो गया भाई यहाँ पे? भाई सूरज कितना स्केरी लग रहा है यार यहाँ पर तो। और तो वो यो मेरे, ओ माय गॉड, होल भागो निकल भाई। अरे यार मेरे को राइड नहीं करने, कुछ आने खतरनाक है यार, तू कैसे को बता रहा हूँ, यहाँ पर लिटरली म्यूटेंट विलेजर्स हैं, उन्होंने लिटरली मेरे पर हमला। भागो यार, कितने खतरनाक विलेजर्स थे यार। ब्रो मेरी स्क्रीन के ऊपर समन हो रहे हैं यार, और मेरे को ज्यादा फास्ट एंड फास्ट बाइक नहीं चलानी, क्योंकि मेरे को पता है कि सामने जंगल है और उसके पीछे बच गया। तो मैं यही बोलने वाला था कि सामने जंगल है एंड पानी है, तो मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ भाई। ये वाली राइड एब्सोल्युटली स्केरी थी। अरे मैं तो गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पर फिर से आ गया अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। तू बच गया भाई, बच गया। मैं बताने वाला था कि ये वाली राइड एकदम से ज्यादा बहुत ज्यादा स्केरी थी भाई, मैं लिटरली यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ओके किड्स कम बैक टू द बस। अरे नूडे बस में ही हूँ मैं। ये मैंने नोटिस किया, यूजली जब स्कूल में ऐसी खतरनाक जो छुट्टी होती है ना, आई थिंक वो यूजली होता है स्कूल के लास्ट दिन के ऊपर। हाँ तुमने पूरा सिलेबस कर लिया यार एकदम से एग्जाम, तो तभी तुमने देखा नहीं एग्जाम हमने दोनों ने दिए थे। तो भाई इसका मतलब क्या है, अभी हमें बड़े स्कूल में भेजने वाली है क्या? यार मेरे को लगा था कि अब की बारी एकदम से हम दुबई सिटी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारा मिशन जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, बड़े स्कूल के अंदर तो हमें वो खतरनाक एल्जेब्रा वाले मैथमेटिक्स। अरे नहीं यार भाई, मेरे को तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया कि ए प्लस वन इक्वल्स बी प्लस इक्वल्स सी और फाइंड एक्स। पूरे मैथ्स की जो किताबें है ना एक्स पर ही टिकी हुई है, किसी को पता ही लगता कि एक्स कहाँ पर है, सारे क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने। और आई थिंक लॉगी सही बोल रहा है, अब की बारी हम प्राइमरी स्कूल से निकल के एकदम से हाई स्कूल के अंदर जा रहे हैं। और ओ माय गॉड मेरे सामने बहुत
बहुत बड़ी बिल्डिंग हो चुकी है। किधर है? तो आई बिलीव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो। ओ भाई ये तो अपने घर के पास यहाँ पर आ चुका है। ये घर के सामने स्कूल खोल लिया इन लोगों ने। अरे नहीं नहीं भाई वो नहीं है। अरे ये रामनगर घर अपने पास में गया है। अरे लेकिन जो आप बिल्डिंग की बात कर रहे थे वहाँ पर हमें नहीं जाना। तो ये कहाँ पर लेके जा रही है? आई थिंक अभी वापस हम घर जा रहे हैं। ओह माय गॉड ये देखो ये ऊपर लिखा भी है जीरो, तो मतलब कि जिनके पास एग्जाम में जीरो आया तो वो यहाँ पर आएंगे। वो आई थिंक क्लॉक लग रही है। अबे जीरो लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। अच्छा थिंक क्लॉक है यार, मेरे को लगा था कि वहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। तो आई थिंक गाइस ये रहा अपना नेक्स्ट वाला स्कूल। ओके तो हमको स्लोली स्लोली अपग्रेड होके जैसे चीफ ने बता कर रखा था ना, तो पूरी पढ़ाई लिखाई करके वापस दुबई सिटी के अंदर आना। और ये करके ओके किड्स दिस इज योर न्यू स्कूल। ओह माय गॉड ये तो ज़ू है। ए ओए पागल बंदे ये तो ज़ू है। ओए ये चिड़ियाघर के अंदर कहां लेके जा रही है? ये कैसी ज़ू है भाई? भाई मे बी स्कूल के साथ कुछ ना कुछ होगा। ओके मंकी लाइक्स यू स्टडी। और आई थिंक अभी वापस हमें बस के अंदर बैठना है। तो ये सिर्फ हमें दिखा रही थी कि ये अपना नया स्कूल है। और आई थिंक अभी इसके बाद ये आंटी जी हमको वापस घर के अंदर छोड़ देगी। तो आई थिंक गाइस मैं फंडा समझ चुका हूँ, हमारा प्राइमरी स्कूल खत्म हो चुका है और ये रहा हमारा नया वाला स्कूल जो कि हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर जाएंगे। और लोगे मेरी दूसरी बात ध्यान से सुन ले, ये बड़े वाला स्कूल है तो यहाँ पर नौटंकी नहीं चलेगी। तो हमें टाइम से आ रही पानी कैसे आ रही है? बैक डोर से कैसे आ गई? तो मैं ये बोलने वाला था कि हमें यहाँ पर बिल्कुल टाइम से, कहाँ पर जा रहे हो तुम लोग यार, पागल हो क्या? तो मैं ये बोल रहा था कि ऑब्वियसली बड़ा स्कूल है तो हमें यहाँ पर टाइम से आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नौटंकी जो है बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। और मेरे को यार वो मैथ से थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो यार गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम पता लगाएंगे कि आखिरकार वो एक्स मैथ्स की किताबों में से गया कहां पर, और वो हमें पता लगेगा नेक्स्ट वाले स्कूल के अंदर। तो चलिए गाइस छोटी सी वीडियो में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।